दीजिए 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 दीजिए। अरे भाई उतना दूर हम नहीं जा सकते हैं। बताइए ये कैसे दे रहे हो भैया फूल? देखते हैं कि छोटे छोटे हैप्पी दिवाली गाइस। तो देखिए मेरा दिन तो स्टार्ट हो चुका है दिवाली का। सुबह मैं नहा धोवा के पूजा पाठ कर ली हूँ, बेडशीट हो गया है चेंज, जो जो चेंज करना होता है, जहाँ जहाँ जो नया नया लगाना होता है सब कुछ हो चुका है गाइस। बस दिन स्टार्ट हो चुका है दिवाली का। आगे मैं क्या क्या करती हूँ, ससुराल में क्या क्या होता है दिवाली के दिन, हर एक चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो व्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा। अभी ये गए हैं बाहर पापा जी को साथ लेके, कुछ कुछ सामान लाना है और मुझे भी बाहर निकलना है क्योंकि फूल लाना है रंगोली बनाने के लिए, कुछ कुछ डेकोरेशन के लिए और कुछ कुछ पूजा के लिए भी, तो उसके लिए भी मुझे बाहर निकलना है। और ब्रेकफास्ट में मैं सोच रही हूँ ना कि पोहा बना देती हूँ, फटाफट से बन भी जाएगा, क्योंकि रात का जो डिनर है ना वो मैं सोच रही हूँ कि दोपहर में ही सब कुछ रेडी करके रख दूँ ताकि रात ही सिर्फ मस्ती हो। तो देखते हैं कैसा रहता है दिन, जो भी रहेगा आपके साथ जरूर मैं शेयर करूंगी। दिया तो अच्छे से धुल चुका है और इसको मैं इसके ऊपर रखी हूँ ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो इसके अंदर आए। तो चलिए ये काम तो हो गया फाइनली। यहाँ पे कड़ी पत्ता आ चुका है, अब मुझे बनाना है फटाफट से पोहा। तो स्टार्ट करते हैं गाइस ब्रेकफास्ट बनाना। बोले कहाँ खाएंगे? चाय पियेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज पूरे दिन कुछ ना कुछ काम लगा ही रहेगा, एक मिनट का भी समय नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं बना ले रही हूँ खीर, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय चला जाता है, डेढ़ से दो घंटा तो आराम से लग जाता है। तो 1 लीटर दूध था जिसको मैं बॉयल कर ली हूँ। और ये जो राइस है ना गाइस, ये है गोविंद भोग राइस, बहुत ही अच्छी खुशबू वाली राइस होती है ये। और 10 मिनट के लिए मैं इसे भिगा दी थी और हाथों से मचड़ मचड़ के तोड़ ली हूँ राइस को, और इससे ना खीर बड़ी ही अच्छी बनती है। आप चाहें तो राइस नहीं भी तोड़ेंगे तो भी बन जाएगी अच्छी, लेकिन हल्का सा तोड़ लेने से खीर अच्छी बनती है। यहाँ पे तो गोविंद भोग राइस है गाइस, यही राइस हम डेली खाते हैं, लेकिन बेंगलोर में खीर बनता है पुलाव वाले राइस से, जिस राइस से पुलाव बनता है ना उसी राइस से मैं खीर बनाती हूँ। अभी सब्जियों में छोक देंगे काट के, इसको बनने में भी समय लगेगा, तब तक उसका तैयारी हो जाएगा कुछ नहीं, धीरे धीरे सब होगा, एक बार में थोड़ा हो जाएगा। यहाँ पे मम्मी जी बोल रही थी गाइस कि हम भी मिलके खाना बनवा देते हैं, लेकिन मैं बोली कि नहीं, आराम से धीरे धीरे खाना बनेगा, क्योंकि देखिए खीर बनने में तो समय लगता है। एक सब्जी मैं काट रही हूँ जिसको मैं छौंक दूंगी, और दोपहर का खाना बनाने के बाद ही मैं बनाने वाली हूँ रात वाली सब्जी। यहाँ पे आप देखें कि मैं मुँह में कुछ डाल ली हूँ, एक्चुअली बना रही हूँ तुरई की सब्जी, तो एक एक तुरई टेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि गलती से कोई एक भी तुरई तीखी निकल गई ना तो सारी सब्जी बर्बाद हो जाती है। तो तुरई काटने से पहले हल्का सा टेस्ट ज़रूर किया जाता है।
वैसे तो सभी को लगता होगा गाइस कि ससुराल में काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ा रहता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मुझे बस यहाँ पे खाना ही बनाना पड़ता है सुबह दोपहर शाम बेंगलोर में, बल्कि मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता है। हर एक काम, हर एक छोटा बड़ा सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो भी छोटा छोटा काम होता है ना वो पापा जी मम्मी जी देख लेते हैं, मुझे बस खाना बनाना पड़ता है। यहाँ तक कि सुबह सुबह तो सब्ज़ी भी काट के मिल जाती है, मैं बस छौंक देती हूँ बस दोपहर और रात में खुद से मैं सब्ज़ी काटती हूँ, धोती हूँ और छौंकती हूँ। सुबह सुबह तो एकदम रेडीमेड मिल जाता है सब्जी बनाने के लिए, तो इतना ज़्यादा आराम है। वही है कि बेंगलोर में मैं बस दो ही टाइम खाना बनाती हूँ, रात में बहुत ही कम खाना बनता है। और आपको पता है मम्मी पापा जी भी जब अकेले रहते हैं ना तो रात में खाना ना के बराबर ही बनता है, क्योंकि दो ही लोग होते हैं तो तीन टाइम खाना कौन खाएगा बनाने से, है कि नहीं। दो टाइम खाना बनाओ वही खाना थोड़ा बहुत बचता है तो रात में मैनेज हो जाता है। तो सेम बेंगलोर में भी हम लोग के साथ भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं छौंक दी हूँ तुरई की सब्ज़ी, जब से मैं आई हूँ ना तब से ये सब्ज़ी आ रही है, क्योंकि मम्मी जी ये सब्ज़ी नहीं बनाती हैं, वो बनाती हैं नेनुआ की सब्ज़ी। और अभी नेनुआ का सीज़न है नहीं, वो तो गर्मी में मिलता है, तो अभी मिल नहीं रहा है, तुरई मिल रही है तो तुरई आ रहा है। जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना तब तक ये सब्ज़ी आएगी, उसके बाद ये सब्ज़ी आना बंद हो जाएगा, क्योंकि मम्मी जी ये वाली सब्ज़ी बनाती ही नहीं है। और आप देख सकते हैं फाइनली खीर बनके हो गया है रेडी। मैं इसमें चीनी नहीं डाली हूँ, थोड़ा सा खीर मैं निकालूंगी और थोड़ा सा खीर में मैं चीनी डालने वाली हूँ। सो गाइस अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, कुछ कुछ सामान लाना है, जैसे कि फूल लाना है, पान का पत्ता, मिठाई, ये सब करके लाना है। आधा खाना बना दी हूँ, आधा आके मैं बनाऊंगी। अभी पता है समय हो गया है 12, तो देखते हैं कब तक मार्केट से आते हैं, उसके बाद मुझे आके लंच भी बनाना है और साथ के साथ रात के भी खाने की करनी है तैयारी। ये कैसे दे रहे हो भैया फूल? मार्केट में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी गाइस और धूप भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो ढेर सारा मैं फूल लेकर आ गई हूँ, साथ में मिठाई लेकर आई हूँ दो तीन तरह का, पान का पत्ता ले ली हूँ, दूब ले ली हूँ, इतना कुछ लेकर आ गई हूँ पूजा के लिए। और आने के साथ ही मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। वैसे मैं जब आई तो मम्मी जी दाल और चावल बना ली थी, अभी मैं बना रही हूँ रात वाली सब्जी, मतलब कि गोभी आलू की सब्जी बन रही है रात के लिए। तो रात का जो खाना है ना वो रहेगा खीर, गोभी आलू की सब्जी और उसके बाद पूरी, रात में पूरी बन जाएगी। तो गोभी आलू की सब्जी में ना थोड़ा सा मैं सूरन भी डालने वाली हूँ, क्योंकि आज के दिन सूरन की सब्जी खाई जाती है। प्योर सूरन की सब्जी तो कोई नहीं खाने वाला है गाइस, किसी को पसंद नहीं है, तो बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा डालूंगी सब्जी में और पता भी नहीं चलेगा सूरन कहाँ गया, और आराम से सभी लोग थोड़ा थोड़ा खा भी लेंगे। सो गाइज मैं यहाँ पे आ गई हूँ अमरूद का पत्ता तोड़ने के लिए, रंगोली बनाने में काम आएगा, देखते हैं कितना काम आता है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज पूरा फूल मैं फैला के रखी हूँ, क्योंकि यहीं पे बनने वाला है रंगोली, ये एंट्री पार्ट है घर का, यहीं पे बड़ा सा मैं रंगोली बनाने वाली हूँ और इसे मैं धो लेती हूँ। और फाइनली आप देख सकते हैं इतना रंगोली बनके हो गया है रेडी। और ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं गाइज, ये मैं मम्मी जैसे शूट करवा रही हूँ, उनको मैं बोली कि आप मोबाइल पकड़ के बैठ जाइए, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि स्टैंड टूट चुका है। वैसे स्टैंड आ गया है गाइज, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आया है, मैं आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी उसकी क्वालिटी, थोड़ा एक्सपेंसिव है। पहले वाला जो था ना जो टूट गया वो 300-350 का था, अभी मैं जो मंगाई हूँ वो 800 या फिर 850 का है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। आम का पत्ता से होता है लेकिन अमरूद से ही काम चला रहे हैं। तो था तो आम के ज्यादा नहीं, जो अमरूद का पत्ता है तो फिर क्या इससे भी हो? कुछ अरे कुछ कोई भी पत्ता ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा लग रहा है ये काला काला। वो तो सो रहे हैं। अरे लोग ना सोता तो शांति नहीं मिले। एक आदमी काला तो नहीं है, ये अब बुढ़वा जवान सब है। सोने का है तो भाई, ये तो नाश्ता करेंगे कुर्सी को ही जाए, मोबाइल देखते तो नाश्ता करिए।
वही दवाई खाई है, वही बैठ के पेपर देखते रही है। हम नाश्ता पानी बनाएंगे, खा पी के तुरंत खाना में लग जाएंगे। खाना वाना बना के जब बन जाएगा तो आके एक घंटा में सो जाएंगे, उठेंगे तब खाना खाएंगे। ये लोग को नींद भी तो बहुत जल्दी आता है। हाँ, बन गया माँ, कैसा लग रहा है? ठीक है। चलिए, ये काम तो हो गया। अब क्या करोगे? अब जो फूल बचा हुआ है इसको यहाँ पे से लटकाएंगे? नहीं नहीं, हाँ, धुरा बा धुरा बा, ये हाँ? डाल दे रहे हैं। तो गाइस, तोरण नहीं आया था तो मैं ये वाला लटका दी हूँ दरवाजे के बाहर एक एक, और रंगोली आप देख ही लिए। ये मैं डिज़ाइन बनाई हूँ, सिंपल है लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये तीन लटकाई हूँ, अभी एक बस और बचा हुआ है तो ये मैं वहाँ पे लटकाने वाली हूँ बस। सो गाइस, मैं और मम्मी जी मिलके आप देख सकते हैं तोरण लगा दिए हैं, मतलब लगाई तो मैं हूँ, बस मम्मी जी धागा बांध रही थी बैठ के चेयर पे, धागा बांध बांध के दे रही थी। और इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी फूल लग चुका है। यहाँ पे तो आप रंगोली देखे ही, दो एक्स्ट्रा मेरे पास ये फूल वाला था तो मैं यहाँ पे लटका दी हूँ ताकि फोटो क्लिक हो ना तो बैकग्राउंड में थोड़ा अच्छा दिखेगा, बस इसलिए। और ये है पूजा रूम, यहाँ पे भी हम लोग इस तरह से तोरण लगा दिए हैं तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है ये पूजा घर का दरवाजा। यहाँ भी कुछ कुछ तैयारी होगी गाइस, ये जो टुकड़ा आप देख रहे हैं इसको लेकर जाना है मंदिर में, वहाँ दिया रखे, 5 बजे मैं निकलूंगी। और यहाँ पे दिया में बाती और घी लगा के रख दिया गया है पूजा करने के लिए, 5 दिया यहाँ पे जलता है, मतलब कि यहाँ के मंदिर में, और ये जाएगा बाहर के मंदिर में। चलिए, अभी मैं जा रही हूँ मंदिर गाइस दिया रखने के लिए। शाम का 5:30 बज गया था। मंदिर जाने से पहले मैं नहाई हूँ और जब मैं मंदिर से आऊँगी ना तो फिर से मुझे रेडी होना है, क्योंकि शाम वाली पूजा भी मुझे ही करनी है। जब भी मैं यहाँ पे रहती हूँ ना तो मम्मी जी बोलती हैं कि पूजा तुम ही कर लिया करो। देखो तो फाइनली आप लुक देख लीजिए गाइस, दिवाली का यही है मेरा दिवाली का ड्रेस, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस है और पहनने के बाद फिटिंग बहुत अच्छी आती है, तो पूरा लुक आप लोग देख लीजिए। रेडी होने के बाद मैं मंदिर में आ गई हूँ। ये जो दिया है ना इसमें तेल और बाती लगाना था तो मैं रेडी हो गई थी, और मम्मी जी बोली कि तुम जाके मंदिर में कुछ कुछ तैयारी करो, तब तक वो रेडी हो रही हैं, मतलब मैं यहाँ पर हूँ तो वो रेडी हो रही हैं अभी। वैसे भी मम्मी जी को रेडी होने में कितना ही समय लगता है, 5 मिनट में वो आ भी गई थी।
अरे दीजिए। अरे भाई उतना दूर हम नहीं जा सकते। ये वाओ और है दीजिए। सो गाइस पटाखा तो हम छोड़ लिए, अब होगी तैयारी खाने पीने की। सब कुछ रेडी है, बस बनाना है गर्मा गर्म पूरियां। गर्म हो गया? बतिया है, आप जाइए ना, हम छान लेंगे। जाइए आप बात कर लीजिए। गरम है तो उतना ही तो, वैसे तो लाल लाल होता है पूरी। गरम रहेगा ना फटाफट निकल जाएगा पूरी। छोटा छोटा साइज का ही पूरी बनाते हैं। देखिए देखिए कीड़ा मकौआ। अरे बाप रे बाप, देखिएगा ध्यान से। आप बड़ा बड़ा पूरी बनाती हैं माँ। सब कुछ तो बड़े होता है। देखते हैं कि छोटा छोटा हाथ रहता है, बड़ा बड़ा चीज। मेरी मम्मी का भी वही हाल है, छोटा छोटा हाथ है और बड़ा बड़ा चीज ढूंढा बन। हाँ ढूंढा तिलवा देखिए, बड़ा बड़ा बना के एकदम मम्मी। मेरा माँ बोलती थी ना बड़ा बड़ा ना। हाँ जैसे मुटाव है हाँ। नहीं ठीक है, हम लोग से बड़ा बनता ही नहीं है ना, हाथ में नहीं आएगा उतना। जैसे कुछ अगर लड्डू उड्डू बांधना हो तो बड़ा बन ही नहीं पाएगा। हाँ मोटा ही रोटी खाना हाँ बनाते थे लकड़ी वाला चूल्हा रहता था, हाँ उसी तरह रहता था लंग, तो वही मैं मोटे मोटे घर के आटा रहता था। पहले आदमी चलबो नहीं करता कर चुन जाते पिसाया हाँ। चलने नहीं बनाया कहा कि चोकर निकल जाए तो फिर खाप नहीं। चोकर का भी तो बनता था सब्जी हाँ। उसको रात भर भिंगाया जाता था, फिर अंदर उसका आटा जैसा निकल।